I think it is self-confidence and pride. I think there are lots of people who take pride in what they do as sportsmen, and we should take pride in ourselves and believe that we can compete. It is not that we don't compete on the international level at any sport. There are so many sports we are world champions in. So the others also we can be. ये तो बहुत ही अरे स्क्रिप्ट अच्छी आएगी, कोई अच्छा आइडिया आएगा तो क्यों नहीं, बहुत खुशी से बनाना चाहूँगा. ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू. I'm so happy because I'm performing here tonight as well. It's great to be here, and it's such a great endeavor from Times of India Sports Awards. You know, by honoring the past, celebrating the present, and also, you know, promoting the Indian future of sports persons. I think nothing can be better than this. So I'm extremely grateful to be here. Well, I'm performing in my own song Haseeno Ka Diwana. Apart from that, I'm performing on Tamma Tamma, and I'm performing on Kala Chashma, and I'm doing Hamma Hamma Tamma Tamma Kala Chashma Haseeno Ka Diwana. All these are my songs. Yeah. I'm a national level basketball champion, so basketball is my most favorite sport. See, regarding all the lack of facilities and lack of training and proper food, which is all required, you know, the basic facilities to sports personalities, I think that's the reason it's such a great endeavor from Times of India Sports Awards, TOISA, because it actually is providing a great recognition to all the sports personalities. So, yeah. Each one of them is so unique, and hats off to all the sports person from our country, India, because they are the real heroes of our country. Thank you. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई अवार्ड है, और
अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है ओलंपिक मेडल के बाद, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। बहुत चेंज हुआ है, सब कुछ ही चेंज हो गया एक्चुअली। अब सब लोग जानते हैं, सब इतना अभी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि मैं आगे आने वाले इवेंट्स में और बेटर करूं। तैयारी अच्छी है, एक्सपीरियंस फर्स्ट ओलंपिक्स था मेरा और बहुत एक्सपीरियंस मिला है, और पहले ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म, आगे आने वाले ओलंपिक्स में और बेटर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू टाइम्स ऑफ इंडिया, थैंक यू विनीत सर, एंड बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट ऐसा अवार्ड शो है मेरे लिए। एक्चुअली हमारे रेसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सब प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर ट्रायल्स हैं, रेसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बात है कि जिस चीज़ से रेसलिंग ऊपर जाएगी अगर वो चीज़ होगी तो बहुत अच्छी बात है। जैसे दंगल मूवी से रेसलिंग बहुत ऊपर गई है, लोगों में समझ हुई है, अगर और आगे ऐसे रेसलिंग के बारे में अगर कुछ भी होता है तो अच्छी बात है। वो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। वेरी गुड, यू आर स्टॉकिंग मी, वेरी गुड, 100 points। यू नो वेर आई एम गोइंग बिफोर आई नो ओनली, दैट डे यू न्यू माई फ्लाइट बिफोर आई न्यू, थैंक यू। It was very good. I enjoy walking the ramp. In real life, we're very casual usually, and we get to dress up only for events like this, or red carpets, or to walk the ramp. And in movies, usually we have to stick to the look that is decided by the director, or the way the character is written. So these things are fun because you get to experiment a lot more than you get to in real life. थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी दैट लोगों को ये एक्सेंट बहुत पसंद आया, एंड आई विल ट्राई नाउ विथ ईच फिल्म। इन माई साउथ फिल्म्स, इफ यू फॉलो द वर्क आई हैव डन देयर, आई हैव ट्राई टू डू डिफरेंट रोल्स, सो होपफुली इन हिंदी नाउ आई विल ट्राई टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स। इन हंसी तो फंसी आई वॉज गुजराती, इन 1920 आई वॉज इंग्लिश, एंड नाउ विथ कमांडो 2 आई वॉज तेलुगु, सो नाउ यू सी मोस्ट ऑफ होपफुली सून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। आई थिंक आई फील रियली ग्रेट एक्चुअली, रियल हीरोज तो ये लोग हैं, यू नो एक्चुअली जो स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हैं हमें एज एन एक्टर, तो वी ऑलवेज गिवन अ स्क्रिप्ट और हम लोग फिर एक्ट करते हैं, बट आई थिंक दीज रियल हीरोज एक्चुअली राइट देयर ओन स्क्रिप्ट और फिर वो परफॉर्मेंस होती है, एंड वी ऑल रियली फील प्राउड यू नो व्हेनेवर वी सी देम परफॉर्म सो वेल, सो रियली ऑनर्ड, ब्लेस्ड एंड प्राउड टू हैव सच ब्रिलियंट हीरोज, एंड Vijender has always made India proud, and I think really it's a great moment for all of us. Yeah. But definitely, अभी तो मैं boxing करनी, और मेरे पास पूरे inputs भी मिलते रहेंगे first hand कि कैसे सीखना है, कैसे करना है, और क्या-क्या ज़िंदगी में हुआ था, and पंजाब वाला connection है, तो हर चीज़ आएगी, वो पंजाबी का जो accent है, वो भी एकदम पक्का ही आना है, definitely क्यों नहीं? आई थिंक सभी कमाल की फिल्म सीन है, वेदर यू टॉक अबाउट सुल्तान, दंगल, हर जितनी फिल्म सीज, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड फिल्म, एंड यू नो आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द ऑडियंस दैट यू नो सच गुड सिनेमा इज कमिंग। या देयर इज अनदर चाइनीज फिल्म आई एम स्टार्टिंग, देयर इज अनदर ऑफर फ्रॉम जैकी चैन्स थिंग ऑल्सो, देयर इज अ फिल्म इन साउथ दैट आई एम स्टार्टिंग इन तेलुगु,
There's two in my home production also. We're just finalizing few things. Many more to come, but yeah, the journey's on. So is it true you're part of a Dabang 2? Dabang 2 तो आ चुकी है, Dabang 3 की writing चालू है. सलमान खान की जो tour आ रही है वो बात. अच्छा tour. मुझे लगा नहीं उसमें नहीं I'm shooting for the films but I wish I was a part of it but like I said you know जरूरी नहीं होता कि tour में आप साथ जाते जब तक दिल में टिके रहो वो important है.